यार ये पानी का लेवल अलग अलग कैसे है? ये पानी अलग कैसे हो सकता है? मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था, वहां तो वाटर का लेवल सेम है और यहाँ पे एंटर तो एयर ही करी है, फिर ये पानी का लेवल अलग अलग कैसे है? इसके पीछे का साइंस जानना चाहते हो? चलो बताता हूँ तुम्हें। अब देखो बात क्या है, अब जब मैंने दोनों को एक ही लेवल पे रख रखा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो दोनों में बराबर लग रहा है, लेकिन एक साइड पे ग्रीन कलर का पानी है और दूसरा मेरा ट्रांसपेरेंट जो है ये है मेरा ऑयल। अब इस ऑयल होने की वजह से इसकी डेंसिटी थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा। इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता और पानी में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसलिए कंप्रेसिबिलिटी पानी की ज्यादा होती है, तभी एयर के साथ में वो ज्यादा नीचे जा रहा है और ऑयल हमारा क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है। और अगर मैं ऑयल की तरह मैं प्रेशर लगाऊंगा तो पानी ऊपर जाने में बहुत दम लगाएगा, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी ज्यादा और पानी की कम है, और अगर मैं पानी में लगाऊंगा तो बहुत जल्दी ऊपर जाएगा। कुछ इस तरह से समझ आया कॉन्सेप्ट? ये है यूट्यूब मैनोमीटर के पीछे की साइंस। ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट के लिए सब्सक्राइब टू राइज़ अ टैलेंट।